अंगूर से बनाए कराची मिठाई है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी। तो देखिए ये हमारी मिठाई बनकर रेडी है अंगूर से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अंगूर से ऐसी मिठाई जो कि आप लोगों ने शायद खाई हो। ये हम नहीं कहते कि आप लोगों ने नहीं खाई है। तो मैंने अंगूर ले लिए हैं, कुछ अंगूर ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, तो ये हमारे घर में थे तो हमने ले लिए हैं, अच्छे से साफ कर लिए हैं, इनको धुल लिया है। अब इन अंगूरों को मिक्सर जार में डालेंगे। इनको मिक्सर जार में डाल के और अच्छे से फाइन पीस लेना है इनको, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल देंगे। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए अंगूर अच्छे से पिस चुके हैं। अब हम लेंगे एक छन्नी, ये देखिए एक छन्नी हमने ले ली है, और इसको इसी में डाल के और इसका जूस निकाल लेना है अच्छे से सारा, और ऐसे चम्मच की सहायता से इसको निचोड़ देंगे और पूरा जूस निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने छान लिया है दोस्तों, और इसमें अभी ये गुठलियां हमको नजर आ रही हैं, तो इसको हम फिर मिक्सर जार में डालेंगे। मिक्सर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से पीस लेंगे, क्योंकि इसका सारा जूस हमको निकालना है। तो ये देखिए मैंने फिर से पीस लिया है, और इसमें हम इसको डाल के ऐसे छान लेंगे, और इस मिक्सर जार में लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसी छन्नी में इसको पलट देंगे और इसका सारा जूस ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये देखिए निचोड़ दिया है कस के अच्छे से, और जूस हमारा निकल आया है। तो ये देखिए जूस हमारा तैयार है। तो हम इसको अब हम मेजर कर लेंगे किसी कटोरी से। तो ऐसे हमने एक कोई कप ले ली है, ये चाय वाली कप है, चाय वाली कप से ही हम मेजर कर लेंगे। तो ऐसे एक कप हो, ये हो गया। तो इसको किसी बर्तन में डाल देंगे। तो ये दूसरी कप हो गया, इसको भी इसी में डाल लेंगे। टोटल हम देख लेंगे कितना है। तो ये टोटल ये देखिए तीन कप है। बर्तन से आप मेजर करेंगे तो उसी कप से आप, जैसे तीन हिस्से थे इस कप के, कप से तीन कप निकला था ये हमारा जूस अंगूर का। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक कप हम कॉर्न फ्लोर लेंगे, तो इसी से हम मेजर कर लेंगे इसी कप में से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कप मैंने कॉर्न फ्लोर ले लिया है, तो इसको हम इसी जूस में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, तो अच्छे से हम मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें कोई लम्स नहीं है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो अब हमने ले लिया है एक ऐसा बर्तन, कटोरा टाइप का, जो कि चौड़े मुंह वाला होना चाहिए। ये देखिए इसकी तली जो है वो छोटी है, और इसका जो ये ऊपर का भाग है वो चौड़ा है। तो इस तरह का कोई बर्तन ले लें, या तो फिर मिठाई सेट करने वाला बर्तन आप ले सकते हैं। तो इसमें हमने घी थोड़ा सा डाल दिया है, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है इसको घी से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने कुछ ये खजूर के ले लिए हैं बीज, और इस तरह से मैंने थोड़ा सा बादाम काट लिया है, कुछ इस तरह से काट लिया है। तो ये वाला बादाम हम लेंगे, ये जो महीन काटा है, इसको हम इसी कटोरे में ऐसे डाल देंगे जिससे कि ऊपर की जो लेयर होगी वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने में। तो ऐसे हम इसको डाल देंगे, और यहीं पे हम डाल देंगे थोड़े से खजूर के बीज, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने दोस्तों कोई, आप फ्राई पैन ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं, तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये देखिए आधी कप पानी है, जिससे हमने मेजर किया था उसी से हमको ये सारी चीज़ें करनी है। तो आधा कप मैंने पानी डाल दिया, और इसी कप से दो कप हम डालेंगे चीनी, ये देखिए दो कप, या फिर आप डेढ़ कप भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही कप डालें। तो हम इसमें दो कप डालेंगे। तो ये चीनी डाल के दोस्तों इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग भी सकती है। तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, इसकी ज़रा सी चाशनी बनानी है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं चाशनी बनानी, बस चीनी घुल जाए, थोड़ा सा उबाल आ जाए, बस इतना ही रखना है हमको। तो ये देखिए चीनी हमारी घुल चुकी है, अभी थोड़ी सी बची है, वो भी अच्छे से घुल जाए।
और हल्का हल्का सा उबाल भी आने लगा है। तो ये चीनी पूरी हम घुलने देते हैं। तो ये देखिए चीनी में अच्छे से उबाल आने लगा है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पर क्या इसको छू के देखेंगे तो ये काफ़ी चिपचिपाहट लग रही है इसमें। तो अब हम वही पेस्ट इसमें डालेंगे। तो ये घोल डालने से पहले सबसे पहले इसको चला लेंगे, नहीं तो ये जो कॉर्नफ्लोर होता है ये नीचे बैठ जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके तभी डालना है कढ़ाई में। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसी कढ़ाई में डालेंगे इसको और चलाते रहेंगे दोस्तों, चलाना बंद नहीं करना है। तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और मीडियम ही आँच रखेंगे, धीमी आँच। अभी देखिएगा ये धीरे धीरे थिक हो जाएगा, जितना ये धीरे धीरे गर्म होता जाएगा तो थिक होता जाएगा। ये देखिए चलाना हमको बंद नहीं करना है, हर समय चलाते ही रहना है जब तक ये थिक ना होने लगे। तो हल्का हल्का सा हमको लगने लगा है, ये देखिए कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है और अभी धीरे धीरे ये पूरा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए धीरे धीरे चेंज होने लगा है और थिक होने लगा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे ही चलाते रहना है, ये देखिए पूरा थिक हो चुका है। तो चलाना बंद नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही धीमी आंच रखिए, नहीं तो नीचे से ये जलने लगेगा। ऐसे ही चलाते रहना है, अभी ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा। ये देखिए ये देख सकते हैं आप लोग कैसे ये गाढ़ा गाढ़ा देखिए पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। इसको हमको चलाते ही रहना है। अब ये देखिए दोस्तों पूरा थिक हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये हल्के से ड्राई फ्रूट्स, ये डाल दिया हमने। अब एक चम्मच डालेंगे इसमें घी, ये एक चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया और अच्छे से इसको चलाना है। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है, घी डालने से काफ़ी अच्छी शाइन भी करने लगा है ये पेस्ट। अब हम ये पूरा मेल्ट भी हो चुका है, अब हम इस स्टेज पे एक चम्मच और घी डाल देंगे। तो टोटल हमको दो चम्मच घी डालना है, लेकिन तुरंत नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे ही डालना है। और अभी जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, ये देखिए अब ये हल्का हल्का कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अभी थोड़ी देर हम इसको और ऐसे ही चलाते रहेंगे, ये देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ रहा है और साइन भी करने लगा है अच्छे से। और ये आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले थे, ये दूर से आप लोगों को दिख रहे हैं। तो ऐसे ही हम थोड़ी देर और चलाएंगे इसको। तो अब दोस्तों देखिए आप लोग ये अच्छे से अब कढ़ाई छोड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लेम को कर देना है ऑफ, ये देख सकते हैं। ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने बर्तन तैयार करके रखा था। तो ये देखिए सारा पेस्ट हमने इस कटोरी में डाल दिया है। अब इसको अच्छे से ऐसे टैप टैप कर लेंगे या तो फिर किसी चम्मच की मदद से इसको फैला लेंगे, क्योंकि ये चिपक बहुत रहा है इस समय। तो ऐसे ऐसे हम फैला देंगे। और अगर आप लोग इसमें कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर जो आते हैं ग्रीन कलर का, वो आप डाल सकते हैं। तो हमने नेचुरल बिल्कुल बनाया हुआ है। तो इसको अब हम लगभग दो घंटे तक इसको ऐसे ही रख देंगे, ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स लगभग दो से ढाई घंटे हो गए हैं, तो ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है और देखिए सेट भी हो चुका है। तो अब हम कोई लेंगे प्लेट और इसको पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा, ये देखे फ्लफी बनकर रेडी है, ये देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है। तो ये देखिए आपको हम कट करके इसको दिखाते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया फ्लफी बनकर हमारा, ये देखिए मिठाई बनकर रेडी है, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी मिठाई हमारी बनकर रेडी है और इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये अंगूर की मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिठाई देखिए मैंने अंगूर से बनाई है, बहुत ही अच्छी है, तो अब काट के हम आपको दिखाते हैं।